पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंट करने के बाद उसकी क्वालिटी, लेयर हाइट, वॉल्स एंड इवन टॉप और बॉटम सर्फेसेस के सेटिंग्स को कैसे चेंज करते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन और यू कैन ऑल्सो क्लिक द आई बटन। सो इस वीडियो में हम लोग इनफिल मटेरियल, कूलिंग और बिल्ड प्लेट एडिशन के बारे में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वेर एज मटेरियल एंड कूलिंग सरफेस क्वालिटी एंड पिन स्टेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इनफिल। जब हम इनफिल का टैब ओपन करेंगे तो पहले आपको दिखेगा कि इनफिल डेंसिटी इसकी वैल्यू 0 से लेके 100% के बीच वैरी करती है, 0 बीइंग हॉलो एंड 100 बीइंग सॉलिड। इसके नीचे ही इनफिल लाइन डिस्टेंस का ऑप्शन है। ये और फर्स्ट ऑप्शन दोनों ही इंटरकनेक्टेड है, मींस कोई भी चेंज करेंगे तो दोनों अफेक्ट करेगा। फिर आता है इनफिल पैटर्न। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ग्रिड एंड क्यूबिक मोस्ट यूज होने वाले ऑप्शंस है, बट आप बाकी भी ट्राई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन एंड नीड। एक रीसेंट अपडेट में लाइटनिंग इनफिल रिसेंटली ही ऐड हुआ है। ये इनफिल लेयर्स को इंटरनल सपोर्ट देने के लिए जनरेट होता है और ये एक लाइटनिंग के शेप में इंक्रीमेंट होता है। ये मॉडल को स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी तो नहीं दे पाता, बट ये मॉडल्स का प्रिंट वेट एंड टाइम कम करने के लिए एक यूजफुल सेटिंग है। आपने पिछले वीडियो में नॉजल एंड मटेरियल सिलेक्शन देखा होगा। जब हम कोई ये मटेरियल सिलेक्ट करते हैं तो क्यूरा उसके लिए सूटेबल प्रोफाइल ओपन कर देती है। जब हम मटेरियल को का टैब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मटेरियल के टेम्परेचर दिखेंगे। फर्स्ट है प्रिंटिंग टेम्परेचर। इसकी वैल्यू आपके फिलामेंट और फिलामेंट मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करती है। हर मटेरियल के लिए ये वैल्यू सूटेबल होनी चाहिए। उसके बाद है प्रिंटिंग टेम्परेचर फॉर इनिशियल लेयर। कई सिचुएशन में फर्स्ट लेयर का टेम्परेचर ज़्यादा रखते हैं जिससे मटेरियल फ्लो बढ़ जाता है और फर्स्ट लेयर अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। इसके बाद आता है बिल्ड प्लेट टेम्परेचर। मटेरियल को प्रॉपरली स्टिक होने के लिए बिल्ड प्लेट हीटेड होनी चाहिए, स्पेशली इन केस ऑफ ABS एंड PETG एंड अदर हाई टेम्परेचर मटेरियल्स। PLA TPU के लिए नॉन हीटेड बेल्ट भी वर्क करती है एंड जस्ट ग्लू से भी काम चल जाता है। इसके बाद जो फ्लो सेटिंग्स है उसे यूजुअली मॉडिफाई ना करें, क्योंकि अनलेस आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द प्रिंटर, ये सेटिंग्स से एक्सट्रूजन पे इफेक्ट पड़ता है। ये सब डिफॉल्ट ही रख दीजिए। नेक्स्ट आता है कूलिंग पे। इसमें फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग है कूलिंग फैन ऑफ एंड ऑन। ये सेटिंग्स जब आप मटेरियल्स जैसे ABS प्रिंट करोगे जहाँ पे कूलिंग की वजह से लेयर वॉर्प हो सकता है, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ABS मटेरियल के लिए कूलिंग फैन को ऑफ रखना ही बेस्ट होता है टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स। नेक्स्ट है बिल्ड प्लेट एडिशन। हमने बिल्ड प्लेट एडिशन पर एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, स्कर्ट, ब्रिम एंड राफ्ट। फर्स्ट देखते हैं स्कर्ट। ये प्रिंटिंग एरिया डिफाइन करता है। स्कर्ट लाइन काउंट से नंबर ऑफ स्कर्ट चेंज कर सकते हो। स्कर्ट डिस्टेंस होता है द डिस्टेंस बिटवीन द मॉडल एंड द स्कर्ट। यहाँ पे ये जो लेंथ है वो स्कर्ट का मिनिमम उतना डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टॉप हो जाएगा। एंड स्कर्ट लाइन का काउंट ज़्यादा होगा तो इससे ज़्यादा ही कवर होगा टू कंप्लीट ऑल द लाइंस। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिम। जब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से ब्रिम सेलेक्ट करेंगे तो पहला सेटिंग वही है जो स्कर्ट में लास्ट में था, जो है ब्रिम लेंथ, एंड सेम वैसे ही फंक्शन करता है। नेक्स्ट आता है ब्रिम विड्थ, जो डिफाइन करता है कि ब्रिम की विड्थ कितनी होगी। ABS जैसे मटेरियल्स के लिए ब्रिम विड्थ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बेड एडिशन बेटर होगा एंड बिल्ड प्लेट से वॉर्प होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके नीचे है ब्रिम लाइन काउंट, विच डिपेंड्स ऑन द ब्रिम विड्थ। जब आप ब्रिम विड्थ की वैल्यू चेंज करोगे तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ब्रिम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड ब्रिम के बीच का डिस्टेंस होता है। कीप इट ज़ीरो फॉर बेस्ट बेड एडिशन, वरना ये बेसिकली एक स्कर्ट के जैसे ही काम करेगा। फिर आता है ब्रिम ऑन द आउटसाइड। इससे सिर्फ आउटसाइड पार्ट पे ही ब्रिम प्रिंट होता है और इंटरनल पार्ट पे नहीं होते। फिर नेक्स्ट आता है राफ्ट।
राफ्ट से प्रिंटिंग मॉडल बेड के ऊपर लिफ्ट हो जाता है, क्रिएटिंग अ बेस। इस बेस के ऊपर मॉडल प्रिंट होता है। ये बेस से एक्स्ट्रा मटेरियल कंज्यूम होता है एंड प्रिंटिंग टाइम भी इंक्रीज होता है। तो इसके सेटिंग्स देखते हैं। फर्स्ट है राफ्ट एक्स्ट्रा मार्जिन। एज द नेम सेज, ये एक मार्जिन ऐड करता है ऑन एवरी साइड। ये वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही बड़ा बेस बनेगा एंड उतना ही एक्स्ट्रा मटेरियल कंज्यूम होगा। नेक्स्ट आता है राफ्ट स्मूदनिंग। ये फिलेट रेडियस ऐड करता है ऑन द कॉर्नर्स। नेक्स्ट है एयर गैप। ये राफ्ट के टॉप लेयर और प्रिंट मॉडल के बीच में एक गैप जनरेट करता है। ये गैप रखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर नहीं हुआ तो दोनों लेयर्स फ्यूज़ हो जाएंगे और राफ्ट को सेपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हम इसके आगे के सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। इन सेटिंग्स से राफ्ट के प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट नीडेड एज इट इज़ ऑलरेडी इन ऑप्टिमल सेटिंग। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगले वीडियो में हम लोग स्पीड और ट्रैवल की सेटिंग्स के बारे में देखेंगे। सो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप प्रिंटिंग।